गारंटी ने उत्तराखंड के घर घर में सुविधा पहुंचाई है, लोगों का स्वाभिमान बढ़ाया है। अब तीसरे टर्म में आपका ये बेटा एक और बड़ा काम करने जा रहा है। मेरा लक्ष्य है आपको 24 घंटे बिजली मिले, बिजली का बिल जीरो हो, बिजली का बिल जीरो हो और बिजली से कमाई भी हो। इसके लिए मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इसके तहत छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार मदद दे रही है। इससे जो एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है, जिसके घर में 3-4 पंखे हो, 1-2 एसी हो, वॉशिंग मशीन हो, रेफ्रिजरेटर हो, एक छोटी सी इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग की बात हो, तो करीब करीब उसको 300 यूनिट बिजली खपती है। ये 300 यूनिट तो मुफ्त मिलेगी और जरूरत से ज्यादा जो बिजली होगी उसको सरकार खरीदेगी और आपको उससे कमाई होगी। कांग्रेस तुष्टीकरण के दल दल में ऐसा धस गई है कि कभी देश हित का सोच ही नहीं सकते। यही कांग्रेस है जो घुसपैठियों को बढ़ावा देती है, लेकिन जब भाजपा सीएए के माध्यम से मां भारती में आस्था रखने वालों को भारत की नागरिकता देती है तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। कांग्रेस के शाही परिवार के शाहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले, 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? क्या आग लगाने की ये भाषा उचित है? क्या ये आग लगाने वाली भाषा लोकतंत्र की भाषा है? ऐसे लोगों को सजा करोगे? पक्की सजा करोगे? चुन चुन करके साफ कर दो, इस बार इनको मैदान में मत रहने दो भाइयों। इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है, इसलिए वो अब जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने में जुट गई है। हर भ्रष्ट पर कार्रवाई जारी रहेगी और तीसरे टर्म की शुरुआत में अब 2.25 महीने बाकी रहे हैं।
बहुत कम समय बाकी रह गया है, तीसरे स्तंभ में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं। भ्रष्टाचार हर गरीब का हक छीनता है, हर मध्यम वर्ग का हक छीनता है, और मैं गरीब का हक, मध्यम वर्ग का हक किसी को भी छीनने नहीं दूंगा। 24 के इस चुनाव में अब स्पष्ट रूप से दो खेमे बन गए हैं। एक तरफ हम लोग ईमानदारी और पारदर्शिता जनता जनार्दन के सामने लेकर के आए हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी परिवारवादी उनका जमावड़ा है। ये भ्रष्टाचारी मोदी को धमकी भी दे रहे हैं, दिन रात गाली भी दे रहे हैं। अब देखिए क्या खेल चल रहा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये देश की आवाज है, और मोदी आपकी हर आवाज को सुनता है और उसके लिए ताकत भी लगा देता है। लेकिन साथियों, मुझे कितनी ही गालियां दी जाए, कितने ही आरोप लगाए जाए, मोदी इनकी गालियों और धमकियों से डरने वाला नहीं है। आपको लगता होगा इतना सारा काम मोदी कर रहा है, घर घर कुछ न कुछ पहुंच रहा है, तो ये मोदी थकता क्यों नहीं है? ये मोदी रुकता क्यों नहीं है? अरे कोई और होता तो मौज करता, मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। मोदी आपके लिए मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है, और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये जो 10 साल में हुआ है ना, पहले वालों से बहुत ज्यादा हुआ है, हर कोई मानता है, लेकिन मोदी नहीं मानता है। मोदी तो कहता है ये 10 साल में जो विकास हुआ है ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है, और तब तक न रुकना है न थकना है। और अभी तो हमें ये हमारे उत्तराखंड को भी बहुत 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 आगे लेकर के जाना है। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।